हेलो दोस्तों, तो ये देखिए, ये मेरे आधा किलो से थोड़े ज्यादा आलू हैं। मैंने ये बॉईल करके छील करके रखे हुए थे। अब मैं इनको फ्राई करूंगी, जीरा आलू। ये मेरी पहली रेसिपी है। देखिए, आलू है, इस तरीके से काटेंगे इसको। आप अपने मनपसंद से काट सकते हो। मैं इसको 4 पीसों में काटूंगी, इस तरीके से। ये देखिए, आलू मैंने काट लिए। ये हरी मिर्ची, धनिया, लाहौरी नमक, और ये काली मिर्ची है, ददरी कुटी हुई है। और मैंने हरी मिर्ची को पतला पतला काटा है, आप अपने हिसाब से काटें। धनिया भी बारीक काटा हुआ है मैंने। इधर मैंने पहले से ही कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। ये तिल वाला तेल है। हम बनाएंगे जीरा आलू। ये हमने आधा चम्मच जीरा डाला है इसमें। थोड़े थोड़े करके आलू छोड़ेंगे। पहले थोड़े आलू करके चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, व्रत वाला। ये काली मिर्ची है, ये हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई। थोड़ा सा धनिया डालेंगे। बनाना चाहो तो चटपटा बना लें। ये देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे आलू। ये लीजिए, हमारी एक रेसिपी बन करके तैयार होगी। इसको आप चाय के साथ खा सकते हो, दही डाल के खा सकते हो। बहुत ही यम्मी लगती है। सारे घर में खुशबू फैल चुकी है इसकी।